नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। पिछला जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि तरंग समूह का निर्माण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से कैसे किया जाता है और तरंग समूह का जो निर्माण होता है उसके बाद पूरा इन्वेलप किस तरह से कण के वेग से गति करता है। आज हम उसी तरह के एक स्पेशल वेव पैकेट की बात करेंगे जिसका नाम है गाउसियन वेव पैकेट। इस गाउसियन वेव पैकेट का निर्माण ऐसी तरंग समतल तरंगों के अध्यारोपण से किया जाता है जिनके लिए वेव एम्पलीट्यूड इस प्रकार से दिया जाता है AP = C एक्सपोनेंशियल -P - P0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये डेल्टा पी है डेल्टा पी स्क्वायर, जहां मोमेंटम का पीक पी जीरो पर केंद्रित है। आप यहां देख सकते हैं पी स्क्वायर को हम पी के साथ यहां आलेखित कर रहे हैं, तो जो शिखर मान है पी का वो पी जीरो पर केंद्रित है और डेल्टा पी जो हम यहां ले रहे हैं वो संवेग P के वितरण की चौड़ाई है और यहाँ डेल्टा P हम एक स्पेशल स्थिरांक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि P का मान P0 प्लस माइनस डेल्टा P हो। पर इस एपी स्क्वायर का मान अपने शिखर मान का 1/e रह जाए। आप यहां से इसको देख सकते हैं, जब P - P0 का मान प्लस माइनस लेंगे तो ये वाइस डेल्टा पी स्क्वायर होगा और इस परिस्थिति में ये एक्सपोनेंशियल माइनस बनाएगा तो इसका मान घट करके 1/e जहां रह जाए वह चौड़ाई डेल्टा पी के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नियतांक सी है उसका मापन हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का उपयोग करके करते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार आप जानते हैं कि जो फंक्शन है AP उसको हम P के रिस्पेक्ट में संपूर्ण स्पेस में यदि इंटीग्रेट आउट करें तो वो 1 के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन का उपयोग जब हम करते हैं तो यहाँ से आप देखिए 1 = इंटीग्रल -∞ to +∞ AP modulo square। AP modulo square के लिए AP का मान यहाँ है हमारे पास, C modulo square क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर हमने इसको ले लिया है और इसका जब आप मॉडुलो स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है -P - P0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा पी
स्क्वायर इंटीग्रेट आउट विद रिस्पेक्ट टू पी। और यदि मैं पी माइनस पी जीरो को वाई ले लूं, वन अपॉन डेल्टा पी होल स्क्वायर को एल्फा ले लूं, तो ये इंटीग्रल का जो फंक्शन है वो नए फॉर्म में मुझे मिलेगा, दैट इज सी मॉडुलो स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एल्फा वाई स्क्वायर डी वाई। इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ ई माइनस एल्फा वाई स्क्वायर ई माइनस बीटा वाई डी वाई का जो मान है, जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है रूट पाई बाई एल्फा ई टू दी पावर बीटा स्क्वायर अपॉन फोर एल्फा। यहाँ इसकी तुलना जब आप इससे करते हैं तो आप देखते हैं कि इस रिलेशन में और इस इंटीग्रल में ई टू दी पावर माइनस बीटा वाई का डिफरेंस है। अतः जब मैं यहाँ बीटा इजिकल टू जीरो ले लेता हूँ तो मुझे इंटीग्रल मिलेगा सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एल्फा वाई स्क्वायर डी। और इसका जो सॉल्यूशन मुझे मिलेगा वो सिंपल रूट पाई अपॉन एल्फा के बराबर होगा। अतः इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ रख दूँ तो वन वन इजिकल टू सी मॉडुलो स्क्वायर रूट पाई एल्फा। और सी मॉडुलो स्क्वायर रूट पाई वन अपॉन रूट एल्फा, क्योंकि एल्फा में वन अपॉन डेल्टा पी स्क्वायर ले रहा हूँ, अतः रूट वन अपॉन एल्फा डेल्टा पी के बराबर मुझे प्राप्त होता है। इस रिलेशन से जब सी मॉडुलो स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करें तो हमको मिलेगा वन अपॉन रूट पाई डॉट डेल्टा पी। और सी की जो वैल्यू है वो मुझे प्राप्त होगी वन अपॉन रूट पाई डॉट डेल्टा पी पावर हाफ के बराबर। अतः नियतांक सी के इस मान को हम समीकरण एक में इस्तेमाल करें तो हमें मिलेगा ए पी इजिकल टू वन अपॉन रूट पाई डॉट डेल्टा पी पावर हाफ ई टू दी पावर माइनस पी जीरो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डेल्टा पी स्क्वायर। ये एम्पलीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और इससे हम गाउसियन वेव पैकेट के वेव फंक्शन को प्राप्त करते हैं जो इस तरह से है, शाई एक्स टी इजिकल टू जीरो पर वन अपॉन रूट टू पाई डॉट एच क्रॉस इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ए पी ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी। और वन अपॉन रूट टू पाई एच क्रॉस ए पी की वैल्यू यहाँ से हम ले रहे हैं वन अपॉन रूट पाई डॉट डेल्टा पी इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी जीरो फुल स्क्वायर टू डेल्टा पी स्क्वायर ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी। इसको हम
रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा वन अपॉन रूट टू पाई डॉट एच क्रॉस वन अपॉन रूट पाई डॉट डेल्टा पी पावर हाफ इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस पी जीरो स्क्वायर टू डेल्टा पी स्क्वायर। यहाँ जो ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस टर्म है उसमें हम माइनस आयोटा पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस को जोड़ दें और साथ ही ई टू दी पावर आयोटा पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस को भी मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी और हम ये रिलेशन प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है नई फॉर्म में लेके आना है तो यहाँ में माइनस पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस आयोटा से मल्टीप्लाई करो ए टू दी पावर आयोटा पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस से इसको मल्टीप्लाई कराऊँ जिसके कारण ये मुझे ई टू दी पावर आयोटा पी माइनस पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस प्राप्त हो जाता है जिससे ये एक सिमेट्रिक फॉर्म मुझे प्राप्त होती है। इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए लेट p माइनस पी जीरो वाई के बराबर है वन अपॉन टू डेल्टा p स्क्वायर एल्फा के बराबर है और आयोटा x अपॉन एच क्रॉस बीटा के बराबर हो तो ये रिलेशन मुझे देगा e टू दी पावर माइनस पी माइनस पी जीरो होल स्क्वायर टू डेल्टा पी स्क्वायर ई टू दी पावर आयोटा पी माइनस पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस डी पी की जो वैल्यू है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज गिवन हियर मुझे मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ई टू दी पावर एल्फा वाई स्क्वायर माइनस e टू दी पावर माइनस बीटा वाई डी वाई और वापस इसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल का मैं इस्तेमाल करूं तो ये मुझे देगा e टू दी पावर एल्फा वाई स्क्वायर ई बीटा वाई डी वाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो ये मुझे देगा टू पाई अपॉन एल्फा e टू दी पावर बीटा स्क्वायर अपॉन फोर एल्फा के बराबर। अतः जब इंटीग्रल का सॉल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं तो ये मुझे दे रहा है टू पाई डेल्टा पी e टू दी पावर माइनस डेल्टा पी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्रॉस स्क्वायर। यहाँ सॉल्यूशन हमने ज्ञात किया पहले वन अपॉन रूट पाई बाई एल्फा ई टू दी पावर बीटा स्क्वायर अपॉन फोर एल्फा रूट पाई अपॉन एल्फा एल्फा में वन अपॉन टू टू डेल्टा पी स्क्वायर ले रहा हूँ अंडर रूट जब इसका हम करेंगे तो ट्वाइस ऊपर चला जाएगा तो रूट टू पाई मुझे मिलेगा डेल्टा पी भी ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा पी मुझे मिलेगा और साथ ही ई टू दी पावर बीटा स्क्वायर दैट इज प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये एक्स ले रहे हैं हम यहाँ उसका ध्यान रखना है अपने को दिस एक्स एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अपन करें तो ये एक्स स्क्वायर अपन एच क्रॉस स्क्वायर मुझे देगा और बीटा की जगह आप एल्फा की जगह आप वन अपॉन टू डेल्टा पी स्क्वायर अपन उनको ये रिलेशन प्राप्त होगा। और इस तरह से जो इस वैल्यू को जब हम इस
रिलेशन में इस्तेमाल करें तो साई एक्स जीरो मुझे प्राप्त होगा, साई एक्स जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन रूट पाई डॉट एच क्रॉस पावर हाफ ई टू दी पावर माइनस डेल्टा पी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई ई आयोटा पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस। और यदि हम एच क्रॉस अपॉन डेल्टा पी को सिग्मा के रूप में ले लें तो ये रिलेशन हमको मिलेगा साई एक्स जीरो वन अपॉन रूट पाई सिग्मा पावर हाफ ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू सिग्मा स्क्वायर ई टू दी पावर आयोटा पी जीरो एक्स अपॉन एच क्रॉस। स्पष्ट है कि ये भी एक गाउसियन फंक्शन है और इस गाउसियन फंक्शन का शिखर मान एक्स इजिकल टू एक्स जीरो पर केंद्रित हम मान रहे हैं, ये एक्स जीरो है, यहाँ एक्स जीरो ले लें अपन, एक्स इज इक्वल टू ये एक्स जीरो एक्स इजिकल टू एक्स जीरो ले रहे हैं अपने यहाँ, तो इसको वापस से लिखें एक्स इजिकल टू एक्स जीरो ये उनको देगा और इस ये जो शिखर मान एक्स इजिकल टू एक्स जीरो पर हमको प्राप्त हो रहा है, जब हम एक्स इजिकल टू एक्स जीरो प्लस माइनस सिग्मा रखें इस रिलेशन में तो हमें साई एक्स जीरो का मान साई एक्स जीरो मैक्सिमम के वन अपॉन ई अर्थात 36.8% के बराबर मान जहां प्राप्त होता है उस स्थिति में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम टू सिग्मा के रूप में यहाँ ले रहे हैं। ये आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जानते हैं। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में गाउसियन वेव पैकेट की बेसिक जानकारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त की है और हमने ये देखा है कि वो किस तरह से पिक्ड होता है और कौन सी लिमिट के अंदर उसकी वैल्यू हमको प्राप्त होती है, तत्पश्चात उसका जो मान है वो हमको लगभग शून्य प्रोबेबिलिटी के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो वीडियो में आपके साथ
शेयर करना चाहता हूँ, उसमें मैं एकल स्लिट से विवर्तन की बात आपसे करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।